हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता सिंह चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पराठा की रेसिपी। बेसन भरवा पराठा है जो काफ़ी टेस्टी होती है और आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बेसन भरवा पराठा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमने 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है जिसे हमने छान लिया है। आटा है, आटा को डो लगाना है। कुछ मसाले देख लेते हैं। मसाले में हमने अजवाइन लिया है, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, सौंफ है, जीरा है, कटे हुए प्याज है, एकदम छोटे साइज में कटे हुए प्याज है, हरी मिर्ची है, जितना आपको तीखा पसंद है, हमने 4 हरी मिर्ची ली है, धनिया पत्ती है, अमचूर है, खटाई पाउडर है, देसी घी है, गरम मसाला है और सफ़ेद नमक है। तो चलिए सबसे पहले हम आटा का डो लगा लेते हैं। आटा हमें नॉर्मल पानी से गूंथना है, हम आटा में नमक नहीं डालेंगे। अगर आपको आटा में नमक डालना है तो आप नमक डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे आटा को गूंथ लेते हैं। आटा को हमने नॉर्मल पानी से गूंथ लिया। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अच्छी तरह से सेट हो जाए। एक ढक्कन से कवर करके रख देते हैं। तब तक हम तवा चढ़ाकर बेसन भून लेते हैं। पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, फुल फ्लेम पे है। ये हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें हम देसी घी डाल देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल ले सकते हैं, फॉर्चून ऑयल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। चलिए पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया जाए। हमने पैन में देसी घी डाल दिया है, 2 बड़े चम्मच। घी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, पिघल गई है। अब उसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी जीरा डाल देते हैं। थोड़ी जीरा डालनी है, जीरा को लाल कर लीजिए। आँच को मीडियम कर देते हैं। अजवाइन डाल दीजिए, ये भी 1/2 चम्मच के लगभग। इससे अच्छा फ्लेवर आता है पराठे का। सौंफ डाल दीजिए, सौंफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने 1/2 चम्मच छोटे स्पून से लिया है। एक बार इसे चला दीजिए अच्छी तरह से। गैस को फुल फ्लेम पे नहीं रखना है, गैस को हमने स्लो कर दिया है। अब इसमें हम कटे हुए मिर्ची डाल देते हैं जो हमने काट के रखा है। जितना आपको तीखा पसंद है आप उस हिसाब से मिर्ची की मात्रा ले सकते हैं। इन्हें हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। बस इसी समय तुरंत जस्ट प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें जलाना नहीं है, बस अच्छा सा कलर ला देना है। इसे 1-2 मिनट के लिए हमें लगभग रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं या पेस्ट बना के या क्रश करके। हमने लहसुन अदरक नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। बस इसका प्याज का हमें अच्छा सा कलर आ जाए, कच्चापन निकल जाए। प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है, हम गैस को मीडियम कर देते हैं। अब इसमें हमें धीरे से बेसन को डाल देना है, क्योंकि बेसन को हमें भून लेना है। हमने बेसन को डाल दिया, फुल फ्लेम पे नहीं रखिएगा गैस को, नहीं बेसन हमारे कच्चे रह जाएंगे। इसे मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरह से भून लेना है, बेसन से हमारी अच्छी तरह से खुशबू आने लगे। अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। हमने गैस को स्लो ही रखा है। इस तरह से गुठलियाँ बन गई हैं। अब इस तरह से प्रेस करते हुए सभी सामानों को मिक्स कर दीजिए। इसे हमें मीडियम आंच पे लाल होने तक भून लेना। अब इसमें हमने मसाला नहीं डाला है। इसे 1-2 मिनट भून लेने बाद तब इसमें हम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। हमने छोटे स्पून से 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, MDH का गरम मसाला है। आपको पास जो मसाला हो आप वो ले सकते हैं। अब धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1/2 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। हमने तीखा मिर्ची की मात्रा कम ही कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी हरी मिर्ची डाली है। अब इन सभी को मिक्स करते हुए हमें भून लेना अच्छी तरह से। अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है। आप चाहे तो प्याज की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बेसन के भरवा पराठे बना रहे हैं इसलिए हमने प्याज की मात्रा मीडियम ही रखी है। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आपको लगे कि हमारी घी या तेल कम है आप ऊपर से फिर डाल दीजिएगा, लेकिन बस इसे अच्छी तरह से हमें मीडियम आंच पे भून लेना है लगातार चलाते हुए। हमने बेसन को अच्छी तरह से लाल भून लिया, अच्छा सा कलर आ गया, खुशबू अच्छी आ रही है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। सफ़ेद नमक है, नमक डाल दीजिए। अमचूर पाउडर है, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप खटाई पाउडर डाल दीजिएगा। धनिया पत्ती है, इन सभी को डाल के मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से।
ये हमारे पराठे काफ़ी टेस्टी होते हैं। हमने गैस को ऑफ कर दिया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे अच्छे से मिश्रण हमारा जल्दी से ठंडी हो जाए। चलिए इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है खटाई पाउडर भी। अब इसे ठंडा करके हम पराठा बनाना रेडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, हमने नॉन स्टिक पैन है। आपके पास अगर लोहे का तवा है तो लोहे का तवा भी ले सकते हैं। चलिए पराठा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमने आटे का दो मीडियम साइज के पेड़े बना लिए हैं। ये देखिए दो मीडियम साइज के पेड़े हैं। एक पेड़े को मिक्सर रखते हैं और इसमें सूखा आटा लगाकर हमें इसे पूरी के साइज में बेल लेना है। हम इसी प्रोसेस से बादाम को भरेंगे। बेलन लगा दीजिए। पूड़ी को एक साइड रखते हैं, फिर दूसरा हम बॉल्स लेकर फिर इसे भी हम इसी साइज में बेल लेते हैं। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा लीजिए। हमने बेल लिया है, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी घी लगा देते हैं जिससे हमारा ब्राउन इसी में चिपकी रहे। हमने देसी घी लिया है, इसे अच्छी तरह से इस पर एक लेयर बना दीजिए घी की, अच्छे से फैला दीजिए। अब इसमें हम ये जो मिश्रण भून के रखे हैं ठंडा हो चुका है, इस मिश्रण को हम इसमें डाल देना है। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम मीडियम ही कर रहे हैं। अब इसको हमें फैला देना है, किनारे पर नहीं लाना, सिर्फ बीच में ही रखना है। अब ये जो हमने दूसरी रोटी ली है, अब इसी पर हम इसको इस तरह से डाल देना है और इस तरह से प्रेस करते हुए उंगली की मदद से इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए। इससे भरने वाला पराठा हमारा फटेगा भी नहीं और काफ़ी अच्छी बनती है बेलने में। हमने अच्छी तरह से इसे दबा दिया, ये देख लीजिए अच्छी तरह से दबा दिया है। अब इसमें हम सूखा आटा लगा कर इसको बेल लेते हैं। हमने सूखा आटा लगा लिया, इसके ऊपर एकदम हल्के हाथ से हमें बेलन चला देना, एकदम हल्के हाथ से बेलन चलाना है इस तरह से। पलट दीजिए, इधर से भी बेल दीजिए। बस किनारे के हिस्से पे ज़्यादा प्रेस करना है कि अच्छी तरह से हमारी रोटी, दोनों रोटी चिपक जाए। आप अपने हिसाब से जितना मोटा पतला पसंद आप इतना मोटा पतला कर सकते हैं। ये देखिए एकदम हमारा बेल के रेडी हो गया, बिल्कुल नहीं फटा है, आसानी भी रही भरने में। अगर आपको भरने नहीं आता तो आप इसी सेम प्रोसेस से इसी तरह दो रोटियाँ बेल को भरान भर के भर सकते हैं पराठा। चलिए तवा को भी चेक कर लेते हैं। तवा हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम पराठे को धीरे से डाल देते हैं। अब इसे भी नीचे से अच्छे से सेक लेना है पराठे को। अब पराठा को हम नीचे से पलट देते हैं, हम चिमचे की मदद से पलटेंगे। देखिए पराठे में अच्छा सा कलर आ गया है, अब नीचे से भी अच्छा सा सेक लेते हैं। जब तक हमारा पराठा सेक रहा है तब तक हम दूसरा भी पराठा भर के रेडी कर लेते हैं। हमारा पराठा नीचे से भी अच्छी तरह से सेक चुका है, देखिए अच्छा सा सेक चुका है। अब इसमें हम घी लगा देते हैं, देसी घी है, आज को स्लो ही रखना है। अच्छी तरह से लगा दीजिए, पलट देते हैं। इस पराठे को आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है पराठा। हमने घी अच्छी तरह से लगा दिया, अभी इसे मीडियम आंच पे लाल करके सेक लेना है कि पराठा हमारे बिल्कुल कच्चा ना रहे। आप इस तरह से किनारे का हिस्सा भी प्रेस करते हुए दबा दीजिए, हमारा पराठा किनारे का भी हिस्सा सिक जाए, क्योंकि पराठे में अक्सर हमारे किनारे के हिस्से कच्चे रहते हैं। इस तरह से हल्के से प्रेस करते रहिए, हमें दोनों तरफ से एकदम लाल सेक लेना है। पराठा हमारे अच्छी तरह से सिक चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल के हम दूसरा पराठा डाल देते हैं। इसे भी हमें अच्छी तरह से सेक लेना है, लाल कर लेना है। हमने पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अगर आपको हमारे पराठे बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, तभी आपको पता चलेगी कि बेसन भरो पराठा आपको कैसा लगता है। अगर आप इसे चाय, दही, चटनी किसी के भी साथ ले सकते हैं जिससे आपको अच्छी लगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक वाले बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। अगर फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन कोई भी वीडियो मेरा अधूरा नहीं छोड़िएगा, पूरा देखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।